गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज सम फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम एंड ट्रू फॉल्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ आर बुक. ओके, सो एग्जाम में तो आपके लेसन नंबर 11 तक आ रहा है. ओके, तो इसमें अभी हम कुछ चीज़ें रिवीजन कर लेते हैं. चलिए तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. ओके, रिवीजन आपका फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर है हमारा, देखिए, माई फैमिली. तो फैमिली, देखिए, इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि एज यू नो योर हाफ ईयरली एग्जाम विल स्टार्ट ऑन मे बी 17th of December से स्टार्ट होंगे. तो उसके लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सके. ओके, तो देखिए, स्मॉल फैमिली, फैमिलीज कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप्स की, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली. ओके, और सिबलिंग कौन होते हैं? अ सिबलिंग इज योर ब्रदर और सिस्टर. ओके, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फैमिली, अगर आपसे पूछा जाए कि फैमिली क्या है, तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर. फैमिली क्या है? तो अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिविंग टुगेदर. फैमिली जो है एक बहुत सारे लोगों का समूह है, जो सारे के सारे लोग आपस में एक न एक एक दूसरे से किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं और साथ में रहते हैं. ओके, ये हो गया. फिर अगर कहे देखा जाए, ऐसा पूछा जा सकता है कि माई फादर्स ब्रदर, मेरे फादर के ब्रदर, मतलब मेरे पापा के भाई कौन होंगे? आपके अंकल होंगे. आपके मदर्स ब्रदर कौन होंगे? वो भी क्या होंगे? आपके अंकल होंगे, बट वो मैटरनल अंकल हो जाएंगे. और फादर के ब्रदर कैसे? पैटर्नल अंकल हो जाएंगे. ओके, इस टाइप से है. उसके बाद स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है. यू ऑल्सो नो दैट कि अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली. ओके, तो ये पेज नंबर 5 में जो है, देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है माई फादर्स फादर इज माई डैश. मेरे फादर के फादर मेरे कौन हैं? माई फादर्स फादर इज माई ग्रैंड फादर, है ना. आपके पापा के जो पापा हैं, मतलब आपके दादाजी, तो दादाजी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर. ओके, माई फादर्स मदर, मेरे फादर की जो मम्मा हैं वो कौन है मेरी? वो है ग्रैंड मदर. माई फादर्स ब्रदर, मेरे फादर के जो ब्रदर है वो मेरे कौन है? अंकल है. तो इस तरीके से ये आपको पेज नंबर 5 वाला होमवर्क दे रही हूँ कि पेज नंबर 5 में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं कि आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो अगर ट्रू फॉल्स में ऐसा आता है तो आप ट्रू करेंगे. अगर आया है कि वी शुड नॉट रिस्पेक्ट आर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ पर आप फॉल्स लिखेंगे, है ना. अगर पॉजिटिव में आता है कि वी शुड रिस्पेक्ट आर एल्डर्स, तो आप ट्रू लिखेंगे. अगर आ गया वी शुड नॉट, तो आप वहाँ पर फॉल्स करेंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेसन नंबर 2 में देखते हैं माय बॉडी. अब अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये तो आपको पता है कि आई से हम क्या करते हैं? सी करते हैं, है ना. नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं. ईयर्स से हम हियर करते हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं. और हमारे ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन क्या करता है? हमारे बॉडी में जितनी भी मूवमेंट हम करते हैं, जैसे मैं हाथ ऐसे कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, तो ये कौन इंस्ट्रक्शन हमें दे रहा है? ये हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ऐसा करना है. तो ब्रेन का काम क्या होता है? हमारे बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना. ओके, ब्रेन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना. ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आर माउथ हैज़ टू लिप्स एंड टंग. हमारे मुंह में दो लिप्स हैं और एक टंग है. तो यस, इट इज़ बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, सो यू हैव टू टेक द राइट. ओके, फिर लिखा है टीथ हेल्प अस टू च्यू आर फूड. दांत हमारी खाने को चबाने में मदद करते हैं. तो यस, तो यहाँ पे भी ये जो ट्रू फॉल्स हैं, ये भी आपको रिवाइज कर लेना. हालांकि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, बट फिर भी एक बार देख लेना है. ओके, फिर आपको पता है कि हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव, हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन हैं? तो ये ऑलरेडी यू नो कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. ये आपको पता होना चाहिए. ये कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन एंड दे आर आइज, नोज, ईयर्स, टंग
एंड स्किन. ओके, तो देखिए ईयर किस चीज में हमें मदद करते हैं. ईयर हेल्प अस टू हियर साउंड. ईयर्स हमारी किस चीज में मदद करते हैं, किसी भी आवाज को सुनने के लिए. आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स. आंखें हमारी किस चीज में मदद करती हैं, चीजों को देखने के लिए. नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स. नोज हमारी मदद करता है किसी भी चीज की, चाहे वो गुड स्मेल हो या बैड स्मेल हो, उनको स्मेल करने में. टंग हमें किसी भी चीज के टेस्ट को टेस्ट करने में हेल्प करती है, कि किसी भी डिश का जो टेस्ट है वो सोर है या स्वीट है या बिटर है. ओके, अब स्किन क्या करती है, स्किन हमें फीलिंग में मदद करती है. अगर हमें कोई टच करता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें कोई टच कर रहा है. तो देखिए इस तरीके से आपको ये एक्सटर्नल पार्ट्स लर्न कर लेने हैं. आपका होमवर्क है कि एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से हैं. एक्सटर्नल रिवीजन डाल के आप लोग को डेली प्रैक्टिस करनी. आज मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की करवा रही हूँ, अब नेक्स्ट डे हम थर्ड फोर्थ की करेंगे, फिफ्थ सिक्स की करेंगे. ओके, इस तरीके से. तो एक्सटर्नल पार्ट्स आपको लिखने हैं कौन कौन से हैं. ओके, फाइव फाइव आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए. इंटरनल पार्ट्स आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए कि इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं. ओके, तो ये आपका होमवर्क है, घर में प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम ऑनेस्टी से देना है. ओके, घर पे है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पूरा का पूरा चीटिंग करेंगे, कुछ अपने से भी करना है, घर में पढ़ते रहिए. ओके, सेंस ऑर्गन के नाम लिखेंगे कि कौन कौन सेंस ऑर्गन होते हैं, ये आप लिखेंगे. ओके, ये हो गया. इस तरीके से आपको लर्न करना है. तो सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बताया कि क्या वी थिंक विथ आर लंग्स, हम सोचते अपने लंग्स से हैं. ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है. सो यू हैव टू क्रॉस. ओके, स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. स्टमक हमारी मदद करता है हमारे खाने को पचाने में. तो येस, इट्स एब्सोल्युटली राइट. सो यू हैव टू टिक द राइट. फिर देखिए यहाँ पे, अब ये दिया हुआ है आपका मैच द फॉलोविंग दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है पेज नंबर 11 में. तो पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 13 पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 13 इट इज आल्सो योर होमवर्क. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस होमवर्क. इस होमवर्क को करने के लिए आप लोग को बिल्कुल तैयारी रखनी है. पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 13 आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आज ही लर्न करना है. और ये तीन आपको लिखने हैं कि एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से हैं जो दिखते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर्स, हैंड, हेयर्स, ये हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं. इंटरनल पार्ट्स कौन से हैं, जो हमारे अंदर है, जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब हमारे अंदर है. तो इनको आप यहाँ पे लिखेंगे. सेंस ऑर्गन आपको पता है तो ये आप कर लेंगे, बाकी जो है रिवीजन वो हम कल करेंगे. ओके, ये भी पता होना चाहिए कि हमें ब्रीद करने में कौन हेल्प करता है. ब्रीद मतलब क्या होता है, सांस लेना. ब्रीद मीन्स क्या होता है, सांस लेना. तो लंग्स हेल्प अस टू ब्रीद. लंग्स हमारी मदद करते हैं सांस लेने में. इस तरीके से ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट सेकेंड, बाकी का रिविजन नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.